हेलो गाइस, तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, देख रहे हैं आप मास्टर तंदूरी चाय। और आप सब जानते ही हैं कि कराची के अंदर बहुत ज़्यादा चाय पी जाती है और हर जगह कोई ना कोई किसी की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकी क्या स्पेशलिटी है। और मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि यहाँ की स्पेशलिटी है ज़ाफ़रानी चाय। तो देखते हैं आइए कि ये लोग कैसी बना रहे हैं और उसका टेस्ट कैसा है। अच्छा जी, तो आप हम आए हैं चाय वाले के पास और इनसे पूछते हैं कि ये ऐसी क्या चीज़ डाल रहे हैं चाय के अंदर, मतलब ज़ाफ़रान तो ये डाल ही रहे हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि इतना अच्छा टेस्ट ये कैसे लेकर आ रहे हैं और किस तरीके से बना रहे हैं। चले आइए देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंसूर अहमद है। मंसूर अहमद, कैसे बना रहे हैं आप चाय और क्या क्या चीज़ें आप इस चाय के अंदर डाल रहे हैं? जी चाय, ये जो तंदूरी चाय है और दिल ज़ाफ़रानी, ये आम चाय दूधपत्ती चाय से अलग है। ये खालिस दूध में बनता है, इसमें मलाई डालता है। और यहाँ का जो ओनर अरसलान भाई है, उसने सऊदीया से मसाला लेकर आया, वो हमारे किसी को शेयर नहीं करते। और इसमें कोपरा डालता है और कुमेल है और ड्राई फ्रूट वगैरह है। तो ट्राई करते हैं इनकी चाय, बाकी हमने देख तो लिए किस तरह से बन रही है। क्या रिव्यूज है आपके इसके बारे में यार? चाय आपको कैसी लगी? बेहतरीन बेहतरीन। आमतौर पे डिफेंस सिस्टम के अंदर ही जिस किस्म की चीज़ें मिली, लेकिन आप यकीन करें कि बेहतरीन रेट्स में बेहतरीन जायका। आपको पसंद आई ज़ाफ़रानी चाय? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। रीजनेबल प्राइस है इसके? बहुत रीजनेबल है। और आपको पराठा कैसा लगा? यार बहुत टेस्टी, आप यकीन करें कि हम पिज़्ज़ा पराठा था, बहुत टेस्टी। तकरीबन तो रोज़ाना आते हैं हम लोग यहाँ। तकरीबन रोज़ाना आते हैं। तो क्या क्या चीज़ आपने ट्राई कर ली है इनकी? हम लोगों ने फिलहाल तो चाय ट्राई की है और स्पेशली इन लोगों का पराठा बहुत अच्छा है। आलू चिकन चीज़ पराठा बहुत अच्छा है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों के साथ जब उन्होंने पिए तो उन्होंने बहुत रिव्यूज़ बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ के ऑनर्स की, और ये मिस्टर ज़ुबैर भाई हैं और ये मिस्टर दानिश भाई हैं। ज़ुबैर भाई, आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली ये जो आइडिया था, ये मेरे बड़े भाई एक होते हैं सऊदी अरब में ज़ाफ़रान, ये उसका आइडिया था कि यार जब हम एक होटल खोल ही रहे हैं तो उसमें क्यों ना मटका चाय और ज़ाफ़रानी चाय रखे। ज़ाफ़रानी बेसिकली अरबी बहुत पसंद करते हैं, तो क्योंकि सऊदी अरब में वो बड़ा इसका एक ट्रेंड चल रहा है, तो ज़ाफ़रान भी मेरे पास जो चल रहा है वो सऊदी अरब पे ही चल रहा है। अगर आपने इसको देखा हो तो उसमें सऊदी अरब पे ही ज़ाफ़रान है मेरे पास। फिर इसका पिज़्ज़ा पराठा और ये सब तेरे भाई के, मेरे भाई के ही थे। आप अपनी फैमिली के साथ कहाँ बैठना पसंद करेंगे? अच्छी साफ सुथरी जगह भी पसंद करेंगे। यहाँ के जो माहौल मैंने और मेरे भाइयों ने जो रखा है वो यही रखा है कि हमें क्या पसंद है। हम कभी उस जगह की चाय पियेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी हो, मच्छर हो, मक्खियाँ हो और अजीब सी चाय फ्रेज में दे रहा हो और बंदा तमीज़ से बात अगर आपके देंगे वहाँ पे, कभी नहीं। हम लोग क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 10-15% प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, कॉस्ट पे ऊपर जब 15, अगर 100 रुपये एक चीज़ पड़ रही तो 115 की 15 रुपये हमारा हक है, जो जाए तो उसमें चीज़ें भी निकाल, दूसरे खर्चे भी होते हैं उसी में से निकलते हैं। तो इंशाल्लाह एक साल बाद अपने आप को इससे कहीं ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर देख रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में। तो जी, अब हमें है चाय का इंतज़ार और चाय के साथ हमने पराठा भी ऑर्डर किया है, मगर हम बोर बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। हमने लगा लिया है लीडो, अब हम खेलेंगे लीडो।
अच्छा जी, तो अब आ गया है पिज़्ज़ा पराठा और ज़ाफ़रानी चाय। तो अभी हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि इसके क्या रिव्यूज़ हैं। पर्सनली मेरे लोगों से तो बहुत सुना कि भाई बहुत अच्छा है, तो इसके ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऑर्डर थे और हमने यही मंगवाया है, पिज़्ज़ा पराठा और ज़ाफ़रानी चाय। तो अभी हम आपको बताते हैं कि क्या कह रहा है ये पिज़्ज़ा पराठा। ये वाकई बहुत ज़बरदस्त है और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इन लोगों ने डाले हैं, चिकन है, चीज़ है और शिमला मिर्च है, प्याज है, वाकई बहुत ज़बरदस्त पराठा है और स्पाइसी भी है। कराची में सबसे ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं और बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आया। तो अब हम आ गए हैं चाय पे और चाय पी के देखते हैं। बाकी बहुत ज़बरदस्त चाय और लोगों के रिव्यूज़ गलत नहीं थे, अच्छे ही रिव्यूज़ थे और मुझे स्पेशली पिज़्ज़ा पराठा भी बहुत ज़बरदस्त लगा है और ये चाय भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैं कहता हूँ एंड है, जिसको भी यहाँ पर आना है यहाँ पर आए। और मैं ये प्रेफर करूँगा कि यहाँ का पिज़्ज़ा पराठा और ज़ाफ़रानी चाय ज़रूर पिए।